चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर M1 इज इक्वल टू 4 M2 द पुलीज आर स्मूथ एंड लाइट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द सिस्टम इज एट रेस्ट इफ द सिस्टम इज रिलीज एंड इफ द एक्सेलरेशन ऑफ मास M1 इज a देन द एक्सेलरेशन ऑफ M2 कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ग्राउंड पे है, कनेक्टेड है M2 और ये M1 है ऊपर 20 meter, तो ये मोशन ऊपर करेगा और इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और अगर इसका एक्सेलेरेशन ए है तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए, ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, या मान लो ये ब्लॉक है, ये पुली के ऊपर थ्रेड होते हुए यहाँ कनेक्ट कर रहा है और पुली को मूव कराया जा रहा है एक्स मीटर। मान लो एक और फिगर मैं बना के इसको थोड़ा सा और एलिबरेट कर दूं, ठीक है। पुली यहां से शिफ्ट करके यहां आ गई, ठीक है। तो ये ब्लॉक कितना शिफ्ट होता है, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर ये पुली x मीटर ट्रेवल की है तो ये ब्लॉक जो है वो 2x मीटर ट्रेवल करता है। इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी वेलोसिटी 2v होती है, इसका एक्सेलेरेशन अगर a है तो इसका एक्सेलेरेशन 2a होता है। सिमिलरली अगर ये पुली मूव कर रही है मान लो नीचे की तरफ a एक्सेलेरेशन से, तो ये पॉइंट भी 2a एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है यहां से यहां तक, तो अगर ये पॉइंट अगर मूव करेगा 2 एक्सेलेरेशन से नीचे, तो ये ब्लॉक 2a एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए अगर इसका M1 का एक्सेलेरेशन, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है कि a एक्सेलेरेशन है, चाहे ये नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, अगर इसका एक्सेलेरेशन अगर a है तो इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन 2a होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन। ये पॉइंट याद रखना है, जितना एक्सेलेरेशन इस M1 ब्लॉक का होगा उसका डबल M2 का होगा, क्योंकि इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन डबल है। ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, 2a एक्सेलेरेशन इस M2 का होगा। अब चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इस M1 को आप चाहे नीचे एक्सेलेरेट करो चाहे ऊपर एक्सेलेरेट करो, M2 का एक्सेलेरेशन इसका जस्ट डबल होगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।